इससे बहुत से सब लोग परेशान भी रहे हैं, पिछली साल तो परेशान रह ही रहे थे सब लोग, कोचिंग भी बाद में चालू हुई थी और स्कूल भी नहीं लगे थे बिल्कुल। और मतलब कोरोना से एक प्रकार से अगर हम देखें तो मतलब कोई भी नहीं बचा होगा जो परेशान ना हुआ, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, सब लोग कुछ ना कुछ परेशान हुए। तो शुरुआत में सब लोग जानते हैं कोरोना कहाँ से फैला था, चाइना के वुहान से। तो इस पे बनाया गया एक गाना, चाइना के एक शहर है वुहान, वहां से फैला था कोरोना, स्वास्थ्य केस आया था। तो अब इसी के ऊपर पे गाना बनाया गया कोरोना के ऊपर। तो आपने गाना सुना होगा, मैं तो रास्ते से आ रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। तो इसी पे गाना बनाया है, इसी की तर्ज पे। कोरोना क्या बोला, मैं तो चाइना से आ रहा था और फैलता ही जा रहा था, मैं तो चाइना से आया था फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था, मेरी वैक्सीन बनी तो कोरोना का कोरोना ये बोल रहा था, मतलब अपने मोदी जी है मोदी जी। फिर अगर उनसे कोई ये सवाल करे तो दो जवाब देते हैं, हैं? तो मोदी जी क्या बोले, तू तो चाइना, तू तो दुनिया में जा रहा था। मोदी जी क्या है कि मोदी जी एकदम मतलब जितनी पब्लिसिटी अगर इनकी देखें तो किसी भी मतलब राजनेता की इतनी पब्लिसिटी नहीं है जितनी मोदी जी की है पूरे विश्व में। तो मोदी जी एकदम मतलब तेजी से बढ़े हैं। तो मोदी जी क्या बोले, कोरोना से बोल रहे हैं, मतलब कोरोना और मोदी जी के बीच में संवाद चल रहा है एक प्रकार से। तो मोदी जी क्या बोले, तू तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था, तू तो दुनिया में जा रहा था मुझसे अधिक जा रहा था, सबको डरा रहा था, तुझे वैक्सीन ना दू तो क्या करूं, उसके बाद क्या हुआ दूसरा जवाब, दुनिया को बंदे कराया, सबको घरों में बिठाया, दुनिया को बंदे कराया, सबको घरों में बिठाया, कुछ को है तूने उठाया, कुछ को है हमने बचाया, लोग यहाँ अब अपना काम करते हैं, अपनों अपनों का और ख्याल करते हैं, तू तो दुनिया में जा रहा था और फैलता ही जा रहा था, तू तो दुनिया में जा रहा था फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था, तुझे वैक्सीन ना दूं तो बाकी। और प्रोग्राम कंटिन्यू करते हम सुनाएंगे तो सुनते ही रह जाएंगे।